देखिए क्लास सिक्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब चूंकि HTML की कोडिंग पहले क्लास सिक्स में नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अभी क्लास सिक्स में भी HTML की कोडिंग मैं सिखा रहा हूँ, तो आप देखिए बहुत इजी है। मैं आपको सबसे पहले हेडिंग टैग के बारे में बताता हूँ, एकदम इजी वे में समझिएगा। हेडिंग टैग बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड जैसे ही टाइप करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। आप वैसे तो अलग अलग टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ड्रीम व्यूअर को भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक आइडियल ही है, लेकिन फिलहाल हम नोटपैड ही यूज करेंगे। नोटपैड को ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं ये नोटपैड ओपन है। इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .txt। यहां पर क्या करना है, HTML से शुरुआत करनी है। तो ये टैग में लिखिएगा HTML, फिर हेड लिखिएगा, फिर टाइटल लिखिएगा, और टाइटल लिख करके टाइटल को क्लोज भी करना है। जो टैग ओपन होता है उसे क्लोज भी करते हैं। और ये टाइटल में क्या डाला जाता है, टाइटल के अंदर बहुत बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि टाइटल के अंदर आखिरकार क्या डाला जाए, तो देखिए टाइटल के अंदर जो आप कर रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं वही डाल दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो हेडिंग टैग में डाल देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दीजिएगा, स्लैश लगा के क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हेड को क्लोज कर दीजिएगा। हेड को क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा और यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लीजिएगा। देखिए बॉडी एक टैग है, इसका एक एट्रीब्यूट मैं यूज कर रहा हूँ, बीजी कलर, ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। और इज इक्वल टू डबल कॉमा में मैं यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर देता हूँ इस पे, ताकि जब हम कुछ लिखेंगे तो इस पे एक कलर पर्टिकुलर आएगा, ठीक है ना। तो ये बीजी कलर लिख के यहाँ पर का कलर है, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे पिंक लिख दिया, ठीक है। एंटर करते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, जो भी लिखा जाएगा टैग के अंदर लिखा जाएगा। H1 लिख दिया हमने और यहाँ पे दे देते हैं हेलो, ठीक है, हेलो ही लिख देते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, और इसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ नीचे आइए, फिर यहाँ H2 लिखिए, H2 उससे छोटी हेडिंग है। कुल मिला के 6 हेडिंग्स होती हैं, 6 हेडिंग के बाद एक भी हेडिंग नहीं होती है, यानी सबसे छोटी हेडिंग 6 वाली होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ लिख दीजिए हेलो इस तरीके से, और फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए, यानी H1 को H2 को क्लोज कर दीजिए। 7 नहीं होता, H6 तक ही होता है, क्यों नहीं होता है वो भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया, और फिर यहाँ पे हेलो लिख दिया हमने, सेम चीज लिखी हुई है हर जगह, ठीक है, यानी हेलो तो हर जगह लिखा ही हुआ है, हेलो तो हमारा कंटेंट है तो उसको तो लिखना ही है। तो ये हेलो लिख करके यहाँ से क्या करिए, H6 को भी क्लोज कर दीजिए, इस तरीके से क्लोज कर दिया। और यहाँ पर आएंगे ना तो इसको भी क्लोज कर दीजिए, यानी कि देखिए हेड तो हमने पहले ही क्लोज कर रखा है, टाइटल पहले ही क्लोज कर रखा है, बचा क्या है, सिर्फ HTML बचा है। तो बॉडी के बाद HTML, बॉडी भी बचा हुआ है, तो बॉडी हमारा टैग है और ये इसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या करता है, वेब पेज को एनहेंस करने का काम करता है। आइए देखते हैं, यहां पर हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करके एंटर करेंगे, और यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको HTML को भी क्लोज कर देना, इस तरीके से। ये हो गया, कंट्रोल एस करिएगा, इसको सेव करिएगा, और यहां से आपको जाना है, ये ध्यान देना है, और इसको डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। और जब भी सेव करिएगा ना तो .html एक्सटेंशन के साथ सेव कीजिएगा। तो देखिए यहां पर आए और .html एक्सटेंशन लगा के सेव करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे हेडिंग के ही नाम से मैं सेव कर देता हूं, HEADING, तो ये हो गया हेडिंग। और .html या .html दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। अब ये वेब पेज जो बना है वो कहाँ सेव हुआ है, तो ये देखिए, ये heading.html, ये डेस्कटॉप पे आया हमारे, डबल क्लिक करिए और आप देखेंगे कि ये इस तरीके का वेब पेज बन गया है, देख सकते हैं ना, अच्छा है, आसान है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। यही चीज आप CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट से बनाना चाहें, देखिए यहाँ पर एक हेलो एम करके आ गया है, इसको आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये, इसको हटा दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा, और जब दोबारा ओपन करेंगे यानी यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये जो एम आ रहा था वो हट भी जाएगा। तो अभी एक्सटर्नल स्टाइल शीट से हमें बैकग्राउंड कलर पिंक लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, तो देखिए उसके लिए एक और कोडिंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए ये जो है ना, पहले CSS की कोडिंग इसमें होती है, तो यहाँ पे लिखा बॉडी, ये CSS की कोडिंग है, ठीक है, CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। हकुन विलियम ली ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बनाया था। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चूंकि हमें बैकग्राउंड पे ही कलर करना है, जैसे यहां पर कलर लेके आए थे हम, याद आ रहा है आपको, ये देखिए ये कौन सा कलर है बैकग्राउंड पे, जरा देखिएगा, ये पिंक कलर है, तो यही कलर हमें लेके आना है। तो अभी हमने लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, बॉडी के बाद लिख दिया बैकग्राउंड, और यहाँ कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, COLOR ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिएगा पिंक, PING पिंक, और यहाँ पर अब टर्मिनेट करिएगा, टर्मिनेट करना यानी सेमी कॉलन देना, क्या देना, सेमी कॉलन, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कीजिएगा। और इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, तो सेव एज करके और डेस्कटॉप पे चलते हैं, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं आप, सेव भी किया जाता है जनरली, वैसे मैंने सेव एज कर दिया। तो यहाँ पर जाकर के इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और ये ध्यान दीजिएगा कि डेस्कटॉप पे सेव कीजिएगा तो इसे मैं मल्टी के नाम से सेव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल लेटर में मल्टी लिखा, और इसके फाइल के एक्सटेंशन क्या देंगे, .css। ये CSS की एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, कौन सी स्टाइल शीट है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां से जाके और इसे सेव कर देते हैं, तो अभी देखेंगे तो यहां पर ये आया हुआ होगा,
ये देखिए ये आया है मल्टी डॉट सीएसएस, लेकिन इसको ओपन करने से कुछ नहीं होगा, यही दिखेगा आपको। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसीलिए ये कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, नोट पैड दोबारा से ओपन कर लेते हैं, क्लोज कर दिया मैंने, तो ये ओपन कर लिया हमने नोट पैड। और अब हमें क्या करना है, एक और कोडिंग करनी है एचटीएमएल की। याद है ना नाम क्या था हमारे, जो हमने बनाया है सीएसएस फाइल उसका नाम है मल्टी डॉट सीएसएस। तो आपको करना क्या है, यहां पर सिंपली एचटीएमएल लिखना है, जैसे आप एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं वैसे ही करिएगा। हेड लिखिएगा, फिर यहाँ पे टाइटल, और जो इसका एट्रीब्यूट होगा ना, पहले तो लिंक टैग है हमारा और इसका एट्रीब्यूट आरईएल है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमेशा आपको लिखना है स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट लिख दीजिएगा, और एचआरईएफ। अब यहाँ से लिंक होगा, तो लिंक होने के लिए यहाँ पे लिखना है आपको एचआरईएफ, और डबल कॉमा में क्या लिखिएगा, डबल कॉमा में लिख दीजिएगा उस फाइल का नाम। तो उस फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए वो फाइल बनी हुई है मल्टी डॉट सीएसएस, तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, मल्टी डॉट सीएसएस, बस इतना ही लिखिएगा, दीजिएगा ऐसे क्लोज करके, इंटर करके नीचे आइएगा, बॉडी को क्लोज कीजिएगा और एचटीएमएल को भी क्लोज कर दीजिएगा। तो ये बॉडी क्लोज हो गया, देन एचटीएमएल क्लोज हो गया, चाहे जिस नाम से सेव करना चाहे इसको कर सकते हैं। तो फाइल पे जाके, चलिए डेस्कटॉप पे ही हमारा सीएसएस वाला फाइल भी था, हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। अच्छा ये होगा कि आप एक फोल्डर बना लें, वैसे डेस्कटॉप पे करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं और इसे मैं एक्सटर्नल डॉट सीएसएस नहीं है, अब देना है डॉट एचटीएमएल, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप डॉट एचटीएमएल भी दे सकते हैं और यहाँ से सेव पे क्लिक करिएगा। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल के नाम से एक और हमारे पास वेब पेज आ जाएगा, देखिए आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसका भी कलर पिंक ही आ रहा है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप, अच्छा यहां से आप चेंज करेंगे ना, यानी कि सीएसएस वाली कोडिंग को चेंज करेंगे, देखिए ये सीएसएस वाली कोडिंग थी, तो इसका कलर जियो चेंज करेंगे ना तो वो कलर यहां पर भी चेंज होता नजर आएगा। देखिए यहां पे अगर ग्रीन कर देता हूं और कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं, तो फिर अपनी एचटीएमएल वाली फाइल हमें ओपन करनी है, ठीक है। नाम क्या था, एक्सटर्नल डॉट एचटीएमएल, बस इस पर डबल क्लिक कीजिए, देखिए वेब पेज क्या हो गया, ग्रीन हो गया। फिर चेंज कर देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, ऐसे ही आप कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे अगर मैं रेड कर देता हूं तो ये रेड हो जाएगा, तो ये रेड किया हमने और कंट्रोल एस करके सेव किया, तो अब देखिए अब ये रेड कलर में दिखाएगा। देखिए यहाँ पर आए, डबल क्लिक किया तो ये रेड कलर में दिखाएगा, देख रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।